हाँ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स। अबे प्रीफिक्स पोस्टफिक्स क्या होता है? प्री का मतलब पहले, पोस्ट का मतलब बाद में। अभी मैंने ऑपरेटर्स जो पढ़ाया था, ठीक है, अभी उसमें मैंने इंक्रीमेंट ऑपरेटर बताया था, दो तरीके से हो सकता है, जैसे प्लस प्लस ए वेरिएबल के पहले, या फिर ए प्लस प्लस वेरिएबल के बाद, सेम चीज डिक्रीमेंट ऑपरेटर के साथ। तो मैं सिर्फ एक को बता रहा हूँ इंक्रीमेंट ऑपरेटर को, डिक्रीमेंट समझ जाना वैसे ही काम करेगा। तो यहाँ पे प्लस प्लस वेरिएबल के पहले लगा हुआ है, ठीक है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स। यहाँ पे प्लस प्लस वेरिएबल के बाद लगा है तो इसको क्या बोलते हैं, पोस्टफिक्स। डिफरेंस क्या है दोनों में? दोनों का अपना, प्लस प्लस का काम क्या है, वैल्यू को एक बढ़ा देना। प्रीफिक्स का रूल है चेंज देन यूज, पहले वैल्यू को चेंज करो फिर यूज करो। और पोस्टफिक्स का रूल है यूज देन चेंज, मतलब पहले पुरानी वैल्यू यूज करो फिर चेंज करो। इसका मतलब क्या होगा, सिंपल देखो, अगर सपोज एक वेरिएबल है आई एन टी एक्स, और एक्स में मैंने 5 लिया है, और मैंने लिखा आई एन टी वाई असाइन विथ प्लस प्लस एक्स प्लस एक्स, तो वाई की वैल्यू क्या होगी? देखो हम किस रूल से चलेंगे, ये प्लस प्लस कहाँ लगा है, एक्स के पहले लगा है, तो प्रीफिक्स रूल क्या है, चेंज देन यूज। तो एक्स की वैल्यू तुरंत चेंज हो जाएगी। क्या चेंज होगी, प्लस प्लस क्या चेंज करता है, एक बढ़ा देता है, तो एक्स की वैल्यू 5 थी ना, 6 हो जाएगी, तो 6 प्लस एक्स तो 6 हो चुका है, तो 6। वाई में कितना स्टोर हो गया, 11। अगर हम y को प्रिंट करें, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट y, तो क्या प्रिंट करेगा, 11 प्रिंट करेगा। अब पोस्टफिक्स में आते हैं, यहाँ पे क्या है, पोस्टफिक्स मतलब वेरिएबल के बाद प्लस प्लस लगाया, रूल है यूज देन चेंज। सेम एग्जांपल लेते हैं, तो एक वेरिएबल है आई एन टी एक्स, और एक्स में मैंने लिया है 5, ठीक है, और फिर मैं लिखता हूँ आई एन टी वाई असाइन विद एक्स प्लस प्लस, अब एक्स के बाद है प्लस एक्स। अब यहां क्या होगा, एक्स प्लस प्लस रूल क्या है, यूज देन चेंज, मतलब जहां प्लस प्लस लगा है वहां पुरानी वैल्यू ही यूज करो। तो यहां पे 5 ही होगा, बट उसके तुरंत बाद एक्स की वैल्यू 6 हो जाएगी, यानी अब आगे जहां भी एक्स आएगा वहां पर वैल्यू 6 होगी, यानी ये भी टोटल 11। यानी वाई को हम प्रिंट करते हैं तो क्या प्रिंट करेगा, 11। क्लियर हुआ है सबको? यस सर, तो बस यही है यस प्रीफिक्स सर, और पोस्टफिक्स। एक और यस एग्जांपल लेते सर, हैं, जैसे मान लो आई एन टी जे असाइन विथ 5, और मैंने लिखा जे असाइन विथ प्लस प्लस जे प्लस माइनस माइनस जे प्लस प्लस। अब मैं इसको सब जगह पैरेंथेसिस लगा देता हूँ, कोई कंफ्यूजन ना हो, जहां जहां माइनस माइनस प्लस प्लस लगा है। अब यहाँ पे कोई पूछता है कि बताओ भाई जे के, जे में फाइनल वैल्यू क्या स्टोर होगी, तो चलो देखते हैं। प्लस प्लस जे प्रीफिक्स में है, जे की वैल्यू 5 है, तुरंत चेंज हो जाएगा, 6 हो जाएगा। प्लस फिर से जे आया तो जे की वैल्यू 6 है, 6 ही होगा। प्लस फिर माइनस माइनस जे, माइनस माइनस प्रीफिक्स में है, पहले चेंज होगा 5। प्लस फिर जे प्लस प्लस, तो प्लस प्लस एक वैल्यू बढ़ाएगा, बट पोस्ट फिक्स में है ना, तो पहले तो पुरानी वैल्यू यूज होगी फिर वैल्यू बढ़ेगी, तो अब आगे कोई जे का यूज हुआ ही नहीं है। टोटल जे में कितना स्टोर हो गया, जे की टोटल वैल्यू हो जाएगी 12 प्लस 5 17 प्लस 5 22। और अगर हम जे को प्रिंट करते हैं तो आउटपुट आएगा 22। अगर नहीं समझ में आया तो एक और एग्जांपल देखो, जैसे सपोज हमने एक वेरिएबल लिया है आई एन टी आई असाइन विथ 8, हमने लिखा आई एन टी के असाइन विथ आई प्लस प्लस मॉड 3। अब बताओ एस ओ पी आई और एस ओ पी के, 2 मिनट सोच लो पहले क्या होगा।
दोनों की वैल्यू क्या प्रिंट करेगी इसको बताओ मुझे, 2 मिनट सोच लो पहले। चलो देखते हैं, आई की वैल्यू 8 है, यहाँ पे क्या होगा, आई प्लस प्लस मॉड 3। तो जस्ट हमने आई प्लस 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 की वैल्यू मतलब प्लस प्लस पोस्टफिक्स में है, तो यहाँ पे आई की क्या वैल्यू यूज होगी, यहाँ पे 8 ही यूज होगा। तो 8 मॉड 3, 8 में 3 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर क्या आएगा, 3 टू जा 6, रिमाइंडर 2, यानी हमारे के में क्या स्टोर हो गया, के में 2 स्टोर हो गया। और आई तो अब अगली बार जहां भी यूज होगा वहां वैल्यू 8 होगा, तो एसओपी आई, तो भाई यहाँ तो 9 होगा क्योंकि यहाँ याद करो प्लस प्लस लगा था ना, तो यहाँ तो पुरानी वैल्यू 8 यूज हो गई, बट अब तुरंत उसके बाद आई की वैल्यू 9 हो जाएगी, तो आई अब जहां भी आगे आएगा 9 होगा, तो 9 प्रिंट किया। और के में कितना आया था, 2, तो के में 2 प्रिंट करेगा। सिंपल, समझ में आ गया।